अच्छा जी, पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने कुछ डिस्कशन की थी अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी। और उसमें हमने पहले तो डिस्कस की थी कनेक्टेड अप्रोच, फिर हमने डिस्कस की थी डिसकनेक्टेड अप्रोच। आज जो है वो हम एक और अप्रोच यूज़ करेंगे जो कि थोड़ी लेटेस्ट है, और उसमें हम लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी यूज़ करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और पिछली क्लास में मैं थोड़ा एंटिटी फ्रेमवर्क बता चुका हूँ, जो कंबाइंड क्लास हुई थी वो तो खैर हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी से रिलेटेड कुछ डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली इसका काम भी डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन करना ही होता है, और वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, न्यू वेबसाइट। इसका नाम हमने रख दिया जनाब लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। यहाँ पर मैं ऐड करवा रहा हूँ एक फोल्डर ऐप अंडरस्कोर डेटा, और एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस डॉट MDF फाइल यहाँ ऐड हो गई, और यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में हम इस डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं। टेबल इसमें अभी कोई मौजूद नहीं है। अब इसमें हम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ऐड न्यू टेबल कर दिया। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हम जो है वो एक वेबसाइट बना रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स बना रहे हैं। उसमें होगा ये कि स्टूडेंट जो हैं वो आकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके बाद जो है जब वो रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट हो जाएगी तो वो साइन इन करेंगे, तो उसके बाद जो है वो उनके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगा और वो क्विज पेपर करके सबमिट करवा देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा हम एक वेबसाइट छोटी सी बनाना चाह रहे हैं। तो अब इस वेबसाइट के अंदर देखें चीज़ें क्या क्या होंगी। पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, तो इसमें एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा फॉर स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं उसमें उनका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, और कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन हम चाहें तो रख सकते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे ये कि सिंपली अभी तो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा। फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि भाई वो जो कोर्सेज हैं वो डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें वो इनरोल होगा लॉगिन होने के बाद। फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि वो जो क्विजेज होंगे उनके अंदर क्वेश्चंस क्या हैं, उनके क्या आंसर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट का डेटा क्या होगा और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो अब इसमें जो है वो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे कोर्सेज का। ठीक है, और कोर्सेज के टेबल के अंदर एक आईडी होगी, कोर्स का नाम होगा, आप कह लें कि बस ठीक है अभी तो यही काफ़ी, बाकी बात इसको हम कर देते हैं जनाब ऐसे करके हमने अपडेट कर दिया। ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा एक टेबल कोर्स के नाम से। ठीक है, टेबल भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक टेबल और बना रहे हैं, और इस टेबल का नाम हम रखेंगे क्विज। ठीक है, क्विज में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्विज में आईडी है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है, यानी क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस होंगी, तो इसको हम कह देते हैं चॉइस वन, इसको आप ले लेंगे ना 200, फिर चॉइस टू इसको आप ले लेंगे ना 3, फिर आपके पास आ जाएगी जनाब चॉइस थ्री, और एक चॉइस फोर ले लें। अभी जो है वो हम सिंपली ये करेंगे कि इन दो टेबल्स के लिए कुछ पेजेस बनाएंगे। एक पेज में तो हम कोर्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे और एक टेबल में हम रखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें काम हम ये करेंगे कि ये भी बता देंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कोर्स से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर एक कोर्स आईडी रखेंगे, मिसाल के तौर पर 2, 3, 4 जितने भी कोर्सेज हैं तो हर एक के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन रख लें कि भाई करेक्ट चॉइस कौन सी है। ठीक है, ये हमने कर दिया इस टेबल को भी क्रिएट। अब यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा क्विज के नाम से। अच्छा, इसमें जो ये कोर्स आईडी है ना, इस कोर्स आईडी को क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है वो लिंक करवाएंगे किससे, कोर्स की टेबल की आईडी से। सही है, तो यानी कि मैं यहाँ पर देखें मैं लिख रहा हूँ कोर्स अभी फिलहाल हमारे पास दो टेबल हैं, कोर्स का और एक क्विज का। बाद हमने यहाँ पर करा ये कि एक हमने जो है वो यहाँ पर ऐड करवा दी जनाब, आपको याद होगा मुख्तलिफ चीज़ें हम बना रहे थे तो उसमें हमने शुरू में एक ऑप्शन रखा था मास्टर पेजेस का, तो हमने एक मास्टर पेज यहाँ ऐड कर दिया। मास्टर पेज में हम बाद में चेंजेस करते रहेंगे, अभी सिंपल हम यहाँ पर एक और पेज ऐड करवा देते हैं वेब फॉर्म जो कि इस मास्टर पेज का चाइल्ड होगा और इसका नाम हम रखेंगे जनाब मैनेज कोर्सेज। इसकी डिजाइनिंग वगैरह एंड बाद में जाके जब हम मास्टर में रखेंगे ना तो वो खुद ब खुद ही हमारे चाइल्ड पेज में आ जाएगी, तो उस वक्त मास्टर हो सकता है हम समझ लें हमने कर ली है तो वो उसमें हो जाएगी। अब मैनेज कोर्सेज के अंदर हम जनाब कुछ स्टफ जो बनाएंगे उसके अंदर हम कोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, किस तरीके से आप कोर्सेज को ऐड करवाना चाह रहे हैं, डिलीट करवाना चाह रहे हैं, इसकी समझ। पहले तो कोर्सेज के टेबल में सिंपल हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए वही पुराना जो हम पिछली क्लासेस से तरीका यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही कर लेते हैं, थोड़ा सी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक नया टेबल इंसर्ट करवा रहा हूँ जिसके अंदर 4 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ये टेबल आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर जनाब कोर्स का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक नाम चाहिए और यहाँ पर हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, बस बाकी यहाँ पर हमें चाहिए एक बटन। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर मैं टेक्स्ट में लिख दूंगा एड न्यू कोर्स। ठीक हो गया, अब इस एड न्यू कोर्स की क्लिक के ऊपर जो कुछ भी यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वो हम जाके किधर ऐड करवाना चाह रहे हैं, अपने कोर्सेज के टेबल के अंदर। तो पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं TXT कोर्स नेम। सही है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब देखें मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहा हूँ ऐड न्यू आइटम और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली लिंक टू SQL क्लासेस। सही हो, याद है अपने
इतने आप लोग पिछली क्लास में थे कि नहीं थे। बहरहाल ये हम अपना एक नाम इसका रख देते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया linkdemo.dbmm। कहेगा कि आप इसको ऐप कोड के फोल्डर में ऐड कर दें, मैंने यस कर दिया, तो ये ऐप कोड के फोल्डर में फाइल ऐड हो जाएगी। सही है। अच्छा, मैं सर्वर एक्सप्लोरर से पोर्ट्स वाला टेबल यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। सही, इससे होगा ये कि ये इसके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस वगैरह जनरेट कर देगा। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करके और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जनाब अब ऐड करवाएंगे। तो आप देखें लिंक की वजह से कितना सिंपल हो गया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिंक डेमो डेटा कॉन्टेक्स्ट डीबी इक्वल्स टू न्यू लिंक डेमो डेटा कॉन्टेक्स्ट। ये क्या चीज़ है भाई, जो भी आपने फाइल का नाम रखा था ना उसके आगे आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट बढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कोर्स सी इक्वल्स टू न्यू कोर्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोर्स का नाम दे दूंगा txt कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट। ये नया कोर्स का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैं लिखूंगा db.courses.insert on submit और ये मैंने लिख दिया c। फिर मैं लिखूंगा db.submit changes। बस काफ़ी है। ये कोड जब मैं लिखूंगा तो ये इस टेबल के अंदर एक नई रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक लेबल ले लें, लेबल की प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट इसका एम्प्टी कर दें, आईडी इसकी कर दें LBL मैसेज, कलर साइज तो चेंज कर लें और यहाँ पर आप लिखेंगे LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ना। अच्छा, आप ये करने के बाद आपको याद होगा कि हमने अभी आप इस पेज को रन करेंगे तो ये तो सिंपल आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। अब इसकी जरा लुक एंड फील अगर मुझे चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी लाइब्रेरी यूज करूंगा। हाँ भाई, भूल गए सब, बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे। सही, तो बूट स्ट्रैप की किसी भी एग्जांपल में चले जाएँ और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो लिंक्स हैं या कॉपी कर लें और अपनी फाइल में पेस्ट कर दें, चाहे तो यहाँ कर दें या यहाँ कर दें, हम यहाँ कर देते हैं तो इधर ही जाना। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये लिंक्स डिफाइन करने के बाद अब मैं यहाँ वो क्लासेस वगैरह डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो टेबल की जो ये ऑटो क्लास बनी हुई है इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर अब हम बूटस्ट्रैप की क्लास डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इक्वल्स टू टेबल की क्लास डिफाइंड हो गई।
फिर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जाके मैं लिख रहा हूँ CSS क्लास फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स में भी डिफाइन हो गई। बटन में जाके हम लिख देते हैं जनाब CSS क्लास इक्वल्स टू आप इस पेज को रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इस पे बूट स्ट्रैप की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, सही है ना। कोर्स का नाम और ये ऐड कोर्स नेम का बटन है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा होगा वो जाके कहाँ ऐड हो जाएगा, कोर्स के टेबल में। मजीद ये कि इसके अंदर हम काम ही करते हैं कि इस कोड को जो ना लिख देते हैं इनसाइड अ ट्राई कैच ब्लॉक। मैंने लिखा ट्राई और ये मैंने लिखा कैच। कैच में मैंने लिखा जनाब एक्सेप्शन यहाँ पर हम उस वक्त आएंगे जब कोई एक्सेप्शन आ जाएगी। हम लिख देते हैं lbl message dot text equals to ex dot message। ठीक है, तो अब हमारा कोड किसी भी वजह से ब्रेक नहीं हुआ। चलें कोर्सेज के नाम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने एक कोर्स जनाब ऐड करवाते हैं वेब इंजीनियरिंग। ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक किया, ये कह रहा है कोर्स एडिट सक्सेसफुल। यहाँ पे काम ही कर लें कि यहाँ ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी एम्प्टी करवा दें। सही है, दोबारा से रन करें इसे। हमने यहाँ एक और कोर्स का नाम लिख दिया, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करा, अब देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट पी के कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन डीबी और डॉट को। अभी ये मसला है, देखिए मसला ये हो रहा है कि ये जो आपका टेबल है इसके अंदर ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की तो इसको बना दिया लेकिन हमने इसको आइडेंटिटी नहीं बनाया। अच्छा, आइडेंटिटी ना बनाने की वजह से हुआ क्या, वह ये कि जब आपने इस टेबल में डेटा इंसर्ट किया तो जो पहली रो इंसर्ट करी ना उसमें तो चला गया ज़ीरो क्योंकि हमने दी नहीं थी। अब दूसरी रो में भी ज़ीरो डाल रहा था जो कि आ नहीं सकती, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको इसको प्राइमरी की के साथ साथ क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसकी ट्रू करनी पड़ेगी। अभी अगर आप आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसकी ट्रू करेंगे तो ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसकी ट्रू हो गई। ठीक है, इसको बेशक आप कर नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी फील्ड बन गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि ये तो हमने कर लिया, ये काम हम इसके साथ भी कर देते हैं। लेकिन वो जो ज़ीरो वहाँ आ गया है वो गड़बड़, क्योंकि वो इंक्रीमेंट में उसको इशू होगा। तो अभी क्योंकि हमसे गलती हो गई थी तो लिहाजा ये जो एग्जिस्टिंग रो है ना इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये हमारा मसला हल हो जाए। फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जो डी बी एम एल फाइल है ना यहाँ भी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा से डिलीट करके दोबारा इसको ट्रैक करके ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो चेंज हो गया ना, तो अब डेफिनेशन वगैरह चेंज हो गए। अब हम दोबारा से ऐड करवा के देख लेते हैं। तो मैंने दोबारा से यहाँ आप मैनेज कोर्स के ऊपर क्लिक कर दिया,
यहाँ से मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, मैंने वेब इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, कोर्स ऐड किया, कोर्स एडिट सक्सेसफुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, ऐड किया, कोर्स एडिट सक्सेसफुल। तो दो कोर्सेज ऐड हो गए इस टेबल के अंदर। आप अगर डेटा देखना चाहें तो आपको यहाँ पर अब दो कोर्सेज नज़र आएंगे, वेब इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, अब ऐड का काम हो गया। अब इसी टेबल के नीचे मैं ऐड करवा रहा हूँ एक डिव, ठीक है। और इस डिव के अंदर हम टूल बॉक्स के अंदर से डेटा कंट्रोल्स में से डेटा ग्रिड व्यू ये मैंने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। एएसपी ग्रिड व्यू आपको पता है कि ये इस तरीके से इसका ऑप्शन आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ पेज लोड पे, पेज लोड पे मैं लिख रहा हूँ लिंक डेमो डेटा कॉन्टेक्स्ट, डीबी इक्वल्स टू न्यू लिंक डेमो डेटा कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आप देखें यहाँ एक क्यूरी लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल सी इक्वल्स टू फ्रॉम कोर्सेस इन डीबी डॉट कोर्सेस सेलेक्ट सीआर। ये मैंने लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी में क्यूरी लिखी है। ये क्यूरी क्या करेगी, ये कोर्सेज के टेबल से सारा के सारे कोर्सेज सेलेक्ट करके ले आएगी और फिर उठा के मैं उसको कहाँ दिखा दूंगा, ग्रिड व्यू के ऊपर। हमारी जो ये ग्रिड है एएसपी ग्रिड व्यू, इसको कह देते हैं कोर्स व्यू, ये यहीं इसी को हम एक्सेस करेंगे। आप अगर इस पेज को रन करेंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि यहाँ पर आपको ये डेटा नज़र आ रहा है। मज़ीद फर्दर आप ये कर सकते हैं कि ये जो ग्रिड व्यू है इसमें आप कुछ क्लासेस डिफाइन कर दें टेबल से रिलेटेड। ये आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लासेस डिफाइन होंगी वो टेबल से रिलेटेड डिफाइन होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनाब टेबल, ये आपके डार्क टेबल आ गए। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ और वो ये कि जो कि हम पिछली क्लासों में ही करते हुए आ रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कोड को मैंने कॉपी किया, ऐसे करके राइट क्लिक किया, क्विक एक्शन है रीफैक्टरिंग एक्सट्रैक्ट मेथड, और इसको मैं कह देता हूँ जनाब रीफ्रेश पेज अप्लाई। यहाँ पर मैं लिखूँगा जनाब इफ पोस्ट बैक, ये सब हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्या है। ये रिफ्रेश पेज मैं यहाँ से कॉपी करके इधर लिख रहा हूँ। मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब नया रिकॉर्ड ऐड करें तो ग्रिड व्यू भी अपडेट होगा। आप अगर कोई नया कोर्स यहाँ ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करा तो ये यहाँ आपको नया कोर्स फॉरन ऐड हुआ हुआ नज़र आ गया। आपने मिसाल के तौर पे कोई और कोर्स ऐड किया जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, वो फॉरन ही आपको नीचे यहाँ ऐड होता हुआ नज़र आ जाएगा। बता रही समझ में, ठीक है। ये कोर्सेज ऐड भी हो गए और हमने उनको देख भी। अच्छा, आप कोर्सेज जब हमारे ऐड हो गए तो उनको हमने सेलेक्ट करके देख भी लिया, तो इसमें जो चीज़ हमने यूज़ करी है ना, ये वाली जो अप्रोच है ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी कहलाती है। ये देखें एडवांटेज कितना हो रहा है आपको,
एडवांटेज आपको इतना हो रहा है कि आपको कोई कनेक्शन, कोई कमांड, ऐसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बड़ा आराम से आप सिंपल कोड लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें DBML फाइल मैनेज कर रहा है।